टीचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट. आपने कितना पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है. आप खुद, आपके खुद के बोलने से आप राजा नहीं बन जाएंगे. जब तक आपको प्रजा ये नहीं कहे कि आप राजा है, तब तक आप राजा नहीं बन सकते हैं, है ना. अपने आपके स्व घोषित करने से तो हमको राजा नहीं बन सकते हैं. बोल दें कल से आप ही बोल दें मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा. आपको वो प्रजा कहना चाहिए, हाँ ये राजा है. यानी कि इट मीन्स ये कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको सीखना आना चाहिए उन्हें. हमने किस, हमने हमारा पढ़ा दिया, हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, इट इज़ नॉट सफिशिएंट. आपको वेरी मच रिक्वायर्ड है कि आप लोग जो है वो बच्चे को आया कि नहीं आया, उसको कितना आ रहा है. आपने बोला कि साहब मैंने चार चैप्टर करवा दिए, चार चैप्टर में से जाके पूछा कि चार क्वेश्चन बच्चे को नहीं आ रहे, तो फिर उसके आपके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा. तो ये ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें कि जो चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ बच्चे तक पहुँचे. यहाँ एक फार्मूला है, फार्मूला लिखो आप. फार्मूला लिखेंगे आप क्या है, LRWS. क्या है, LRWS. LRWS का फुल फॉर्म क्या है, हाँ, और मैं इसको ऐसा भी कर दूं, एयर मतलब एल को लास्ट में बचा दूं, RWSL. हाँ नहीं नहीं, ये एल फॉर क्या है, नहीं एल फॉर यहाँ लर्निंग नहीं है. ये असल में एक अपने आप में एक प्रोसेस है, प्रोसेस है. जब आप क्लासरूम में जा रहे हैं ना तो यही आप कर रहे हैं, और ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो रही है स्टेप बाय स्टेप. इट मीन्स ये कि वो बच्चा सीखेगा. हम आप पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बच्चे के पास क्या पहुंच रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सुन रहा है, मतलब लिसनिंग. सबसे पहली चीज़ क्या है, लिसनिंग. कोई भी चैप्टर पहले आप ही पढ़ाएंगे ना कि बच्चा पहले से पढ़ेगा, पहले आप पढ़ाएंगे, पहले आप सुनाएंगे, बताएंगे, बच्चा सुन रहा है, सुन करके उसने सीखा. मैंने एक बार पहले डिस्कस भी किया आपसे कि यदि हम कोई चीज़ सुनते हैं तो कितना परसेंट सीखते हैं, 10%. फिर बच्चे ने सुना, सुना सुनने से कितना परसेंट सीखा, 10%. फिर जब वो खुद स्टडी करेगा तो, जब वो खुद रीड करेगा तो ज़्यादा सीखेगा. तो रीडिंग सेकंड क्या हो गया, रीडिंग. थर्ड क्या हो गई, राइटिंग. घर पे जाकर के होमवर्क देते हैं आप, राइटिंग करता है वो, या डे बोर्डिंग टाइम पे लिखता है. तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपने पढ़ाया वो उसने सुना, फिर उसने खुद ने पढ़ा, फिर जो उसने राइटिंग किया, फिर क्या हुआ, फिर जब आपने उससे वो, जब मान लीजिए अब नेक्स्ट टाइम आपने उसको बोला कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो वो क्या करेगा, स्पीकिंग करेगा, और स्पीकिंग करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा. ठीक, ये मैं अपना वाला जो फार्मूला है वापस से, ये फार्मूले को मैं वापस से आपको रिवाइज करवाता हूँ कि यदि कोई चीज़ हम सुनते हैं तो कितना परसेंट याद रहती है, 2 सप्ताह के बाद 10%, देखते हैं तो 20%, देखते सुनते दोनों हैं तो 30%, वही चीज़ हम किसी को बता दें तो 50%, और वही चीज़, उसी चीज़ को हम क्या कर दें, उसी चीज़ को यदि हम डिस्कशन कर लें, उस पर डिबेट हो जाए, तो क्या होगा, वो 70% तक याद हो जाएगी. और यदि उसी का ही हम कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन वगैरह कर लें तो 90% तक याद रह सकती है. इट मीन्स ये हुआ कि यदि प्रॉपर LRWS हो जाए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग हो जाए उसी टॉपिक पर, तो वो टॉपिक जो है वो बच्चे को याद हो जाएगा. हमने सिर्फ हमारी तरफ से पढ़ा दिया तो इट मीन्स हमने सिर्फ एक चीज़ करवाई, वो हुई लिसनिंग. बच्चे ने नहीं किया है, मतलब बच्चे ने रीडिंग नहीं किया है, राइटिंग नहीं किया है, तो उसकी तरफ से चीज़ें अधूरी रह गई. तो और मेन तो उसको ही सीखना है, तो ये ज़रूरी है कि हम जो है उसको प्रोसेस को कंप्लीट करें. आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी.